is me, Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss theory of social effects by Emile Durkheim. So let's start. Emile Durkheim एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है और उन्हें वन ऑफ द फाउंडिंग फादर कंसीडर किया जाता है सोशियोलॉजी का. तो सोशियोलॉजी की जो फील्ड है इसमें इमाइल डर्खाइम का बहुत मेजर वर्क है, जिसमें से एक जो है वो सोशल फैक्ट भी है. तो इमाइल डर्खाइम का अगर आप वर्क देखें तो दो बेसिक थीम्स नज़र आएंगे उनके वर्क के पीछे. फर्स्ट ये कि वो कह रहे थे कि सोसाइटी जो है उसे हम साइंटिफिकली भी स्टडी कर सकते हैं, और सेकंड ये कि वो कहते थे कि जो सोसाइटी है वो पहले है और इंडिविजुअल जो है वो बाद में, यानी कि उन्होंने सोसाइटी को इंडिविजुअल पर फोकिया दी, सोसाइटी को प्रायोरिटी दी. साइंस के क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी कि दो तरह के साइंसेज होती हैं, एक नेचुरल और फिज़िकल और एक जो है सोशल. तो जैसे हमारी फिज़िकल वर्ल्ड या नेचुरल वर्ल्ड के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्स में प्लैनेट, स्टार्स, मून, सन, अर्थ, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इस तरह के फैक्ट्स जो हैं वो नेचुरल वर्ल्ड में पाए जाते हैं. तो इमाइल डर्खाइम का कहना ये था कि जैसे फिज़िकल वर्ल्ड में नेचुरल फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी कुछ फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, जो हम डायरेक्टली कह नहीं सकते कि ये फैक्ट है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो वो जो फैक्ट्स हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें इमाइल डर्खाइम ने कहा कि ये सोशल फैक्ट्स हैं. सोशल मतलब समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, और फैक्ट्स यानी कि हमारी सोसाइटी में कुछ फैक्ट्स पाए जाते हैं जिन्हें इमाइल डर्खाइम ने सोशल फैक्ट्स का नाम दिया. अब ये सोशल फैक्ट होता क्या है? सिंपली अगर मैं कहूँ, सोशल फैक्ट ये होता है कि ये एक फोर्स होती है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, जो कि इंडिविजुअल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करती है और उन्हें कुछ चीज़ों से रोकती है, चाहे वो करना चाह रहे हो लेकिन वो फोर्स उनको उस काम से रोकेगी, और कुछ चीज़ें जो है वो नहीं करना चाह रहे वो उनसे करवाएगी. तो यानी ये एक फ़ोर्स होती है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करती है, उनके एक्शंस को कंट्रोल करती है. इसकी डेफिनेशन है, सोशल फैक्ट्स आर दोज वेज ऑफ एक्टिंग थिंकिंग विच इज़ एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल कंस्ट्रेन इन नेचर एंड जनरल इन नेचर. सोशल फैक्ट्स जो हैं वो वेज ऑफ एक्टिंग होते हैं, थिंकिंग होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के पीछे जो है वो सोशल फैक्ट्स होते हैं. विच इज़ एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होते हैं, यानी ये इंडिविजुअल के इनसाइड नहीं पाए जाते, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि सोसाइटी में पाए जाते हैं और ये इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होते हैं. कंस्ट्रेन इन नेचर एंड जनरल इन नेचर, कंस्ट्रेन ये कि जो हमसे ज़बरदस्ती कुछ करवा रहे हो या ज़बरदस्ती हमें कुछ कामों से रोक रहे हो, हम पे ये फोर्स प्रेशर एग्जर्ट करती है, और ये जो है ये जनरल इन नेचर होते हैं, यानी ये सोसाइटी के तमाम लोगों पर एप्लीकेबल होते हैं, तमाम लोगों पर लागू होते हैं. ऑल फैक्ट्स आर नॉट सोशल फैक्ट्स, सम आर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. इमाइल डर्खाइम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी फैक्ट्स हों वो सोशल फैक्ट्स होंगे हमारी सोसाइटी में, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल भी होते हैं और साइकोलॉजिकल भी होते हैं. बायोलॉजिकल मतलब आपकी कैपेसिटी ऑफ फूड, आप कितना वर्क कर रहे हो, कितनी आप नींद ले रहे हो, स्लीप टाइमिंग, ये वो, ये सब चीज़ें जो हैं ये जो हैं ये बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं. साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं कि आपकी चॉइस क्या है कलर्स में, या आपको किस तरह की मूवीज़ पसंद है, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर जो हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं. तो इमाइल डर्खाइम कहते हैं कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो सोशल होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल होते हैं. हम तमाम फैक्ट्स को ये नहीं कह सकते कि ये सब के सब सोशल हैं. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्खाइम सोशल फैक्ट्स आर सुई जनरेस. इमाइल डर्खाइम के मुताबिक ये जो होते हैं सोशल फैक्ट्स, ये सेल्फ बॉर्न होते हैं, और हम जब पैदा होते हैं तब हमसे पहले ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. ये ऐसा नहीं होता कि जब हमारी बर्थ हो रही हो तब ये साथ ही पैदा हो रही हो, बल्कि ये हमारे पैदा होने से पहले ही एग्जिस्ट करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज हो गई, यानी जब आप पैदा होते हो पहले से जो है वो लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही होती है. रिलीजन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये सेल्फ बॉर्न होती हैं. नेक्स्ट है, दीज आर द गाइड्स एंड कंट्रोल ऑफ कंडक्ट एंड आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, फॉकफेस, मॉरल्स. ये जो है सोशल फैक्ट्स, ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. हमने कहा ये कैसे फोर्स होती है जो इंडिविजुअल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करती है. अब ये जो सोशल फैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, ये जो है ये फॉकवेज, मॉरल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, इनके शक्ल में हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हम पे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती हैं.
देन है वी इंटरनलाइज इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन. और ये जो सोशल फैक्ट्स होते हैं इन्हें हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू या एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू इंटरनलाइज कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं. तो सिंपली सोशल फैक्ट एक ऐसी फोर्स है जो कि इंडिविजुअल्स पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है, और ये एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल होती है, यानी कि इंडिविजुअल के इनसाइड फैक्टर्स नहीं होते बल्कि आउटसाइड होते हैं जो कि सोसाइटी में पाए जाते हैं. और कुछ काम इंसान करना चाह रहा होता है ना करना चाह रहा हो, वो जो है वो सोशल फैक्ट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. कुछ काम ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं, कुछ काम उसे रोका जाता है, और ये हमारी सोसाइटी में जो है ये नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, मोरल्स की शक्ल में पाए जाते हैं. तो ये सोशल फैक्ट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है. ऐसे किया इमाइल डर्खाइम ने सोशियोलॉजी को डिफाइन ही ऐसे किया था कि स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फैक्ट्स की स्टडी है. यानी इमाइल डर्खाइम के मुताबिक अगर कोई शख्स सोसाइटी को स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सोशल फैक्ट्स को स्टडी करे. देन इसकी एग्जांपल है सुसाइड. अब सुसाइड बजाते खुद जो है वो एक सोशल फैक्ट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सोशल फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो सुसाइड की वजह बनते हैं. इमाइल डर्खाइम के मुताबिक हमारी सोसाइटी में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उनके पीछे जो है वो सोशल फैक्ट्स होते हैं, वो मजबूर कर रहे होते हैं, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं एक इंडिविजुअल पे कोई भी बिहेवियर शो करने के लिए. तो अब सुसाइड में हमने फोर टाइप्स पढ़ी थी, इगोइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक, फैटलिस्टिक और एनोमिक. ऑल्ट्रुइस्टिक और इगोइस्टिक सुसाइड में हमने कहा था कि जब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी उसकी वजह से अगर कोई शख्स सुसाइड अटैम्प्ट करेगा तो वो जो है वो इगोइस्टिक और ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगी. और जो फैटलिस्टिक और एनोमिक सुसाइड थी वहाँ रूल्स और रेगुलेशन या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे या बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स ने सुसाइड करना शुरू कर दी थी. तो अब सुसाइड में दो जो सोशल इन्वॉल्व है वो है इंटीग्रेशन और रूल्स और रेगुलेशन, जिसकी वजह से लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं. अब सुसाइड जो है ये सिंपली एक, अगर हम देखें तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना लगता है कि साइकोलॉजिकल रीज़न होगी जिसकी वजह से किसी ने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट की होगी. लेकिन इमाइल डर्खाइम के मुताबिक सुसाइड जो है ये एक साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि एक सोशल फिनोमिना है. सोसाइटी में कुछ ऐसे सोशल फैक्ट्स होते हैं जो उन्हें मजबूर कर रहे होते हैं, उन पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. तो ये इसकी एग्जांपल हो गई. नेक्स्ट है टाइप्स. इसमें दो टाइप्स हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट. जो मटेरियल सोशल फैक्ट है इमाइल डर्खाइम ने इस पर ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है वो बेसिकली जो है इस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया. और हम कह सकते हैं कि ये जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है ये इस थ्योरी का आप कह लें हार्ट है, यानी कि बेसिक इस पर वर्क किया था डर्खाइम ने. अब मटेरियल सोशल फैक्ट्स क्या हैं? दीज आर द फीचर ऑफ सोसाइटी सच एज सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन. ये सोसाइटी के ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि टेंजिबल होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हो, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह आ जाते हैं. और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स वो होते हैं जिनकी कोई मटेरियल रियलिटी नहीं होती, जो कि इंटेंजिबल होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते. इसमें हमारे पास नॉर्म्स, वैल्यू, सिस्टम ऑफ मोरालिटी आ जाता है. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स. सोशल फैक्ट्स की फोर करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें एक्सटीरियोरिटी, कंस्ट्रेंट इन नेचर, जनरलिटी और इंडिपेंडेंट. ये चार जो हैं ये करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट्स की. तो फर्स्ट है एक्सटीरियोरिटी. एक्सटीरियोरिटी मतलब एक्सटर्नल. जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी कहा कि सोशल फैक्ट्स जो हैं वो एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल होते हैं, ये हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, इंडिविजुअल के इनसाइड नहीं पाए जाते. तो यानी ये वो फैक्टर्स होते हैं जो सोसाइटी में पाए जाते हैं, इंडिविजुअल के इनसाइड नहीं पाए जाते, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये एक्सटर्नल हैं. एक्सटर्नल इस सेंस में कि ये इंडिविजुअल के एक्सटर्नल हैं. ये जो सोशल फैक्ट्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, डूज और डोंट्स के बारे में बताते हैं ये. और अगर हम इनको वॉयलेट करते हैं, किसी चीज़ से हमें मना किया जा रहा है लेकिन फिर भी हम वो करते हैं, तो उस पर जो है वो हमें पनिशमेंट मिल सकती है या हमें जो है वो डेविएंट कहा जा सकता है. नेक्स्ट है कंस्ट्रेन इन नेचर. ये हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, यानी कुछ कामों से रोकती है, कुछ काम हमसे करवाती है. तो ये कंस्ट्रेन इन नेचर होती है, और जब तक हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता. लेकिन जहां हम इसको वॉयलेट करते हैं, इसके अगेंस्ट आते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है इनकी पावर का. जैसे फॉर एग्जांपल लॉ हो गया, सिंपली अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तब तक आपको इसका इतना रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको वॉयलेट करोगे तो लॉ जो है वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा, आपको पनिश किया जाएगा. तो तब आपको रियलाइज़ होगा कि सोशल फैक्ट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये कितना अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में. नेक्स्ट है जनरलिटी. जनरलिटी ये होता है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, ये सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सब पर एप्लीकेबल होते हैं, ये जनरल इन नेचर होते हैं.
और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि ये इंडिविजुअल की विल के बियॉन्ड होते हैं, ये हमारी मर्जी या हमारी ख्वाहिश पे डिपेंड नहीं कर रहे होते बल्कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। हम जो है वो हम इनको ना मान रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ हो गया, मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, अगर हम नहीं मान रहे इसको तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारी सोसाइटी में ही एग्जिस्ट नहीं करता। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो करती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, ये आपकी चॉइस पे आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो यानी ये जो है ये इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होते हैं और ये जो है हमें बताते हैं कि हमने क्या काम करना है और क्या नहीं करना, हम पे एक प्रेशर होता है इनका। सेकेंड ये है कि ये कंस्ट्रेंट नेचर होता है, हम पे ये फोर्स जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है, कुछ काम हमसे करवा रही होती है, कुछ काम उसे रोक रही होती है। जनरलिटी है, ये सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल हैं सब पे एप्लीकेबल होती है, सब पे लागू होती है। और फोर्थ है इंडिपेंडेंट, ये हमारी चॉइस पे या हमारी विल पे डिपेंड नहीं कर रही होती बल्कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स पे मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।